आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही विद्युत कटौती इन दिनों लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। कस्बा पिनाहट क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। एकत्रित हुए ग्रामीणों ने एसडीओ पिनाहट को समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और विद्युत सप्लाई जल्द सुचारू करने की मांग की। मौसम की बेरुखी और विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के कारण एक ओर विद्युत कटौती की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर विभागों में मौजूद अधिकारी ग्रामीण लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती होने से खेतों में खड़ी फसल भी सूख रही है। ग्रामीणों को रात रात भर जाकर गुजारनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर छोटे बच्चों को इस गर्मी के कारण कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं से परेशान लोगों ने अघोषित विद्युत कटौती समस्या को लेकर स्थानीय भाजपा नेता डॉक्टर सतीश जादौन के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में विद्युत खंड कार्यालय पहुंचकर विद्युत कटौती को लेकर आक्रोश जताया। साथ ही ग्रामीणों ने एसडीओ पिनाहट दिनेश कुमार से मिलकर विद्युत समस्या के मामले से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सुचारू करने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने आक्रोश जताते हुए चेतावनी भी दी कि अगर विद्युत आपूर्ति ठीक से सुचारू नहीं की गई, तो उन्हें मजबूरन मुख्यमंत्री दरबार में पेश होकर समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराना पड़ेगा और लापरवाह अधिकारियों की शिकायत करेंगे। लाइट का एक रूटीन बनाया जाए और अघोषित जो बिजली कटौती है उसको रोका जाए। एसडीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको सही उससे सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। एक दो दिन का समय लगेगा। अभी तो व्यवस्था सही नहीं हुई दो तीन दिन में, तो आपके आगे क्या रणनीति बनाएंगे उसी ऊपर बात करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।